हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कोडेक एलआरएस S2060W स्कैनर की बेसिक जानकारी और सेटिंग्स और रिसेट के बारे में। तो जानते हैं आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये इसकी पेपर एग्जिट रहे हैं, ये इस तरह बाहर आ जाती है और इसको और लंबी करने के लिए ये ट्रे इस तरह बाहर आ जाती है और इस तरह से वापस क्लोज हो जाती है। ये इसका पेपर सपोर्ट के लिए है, ये इस तरह से क्लोज हो जाता है और ये लॉक है। इसको इस तरह सेट कर देंगे तो ये सपोर्टर इस तरह नीचे नहीं जाएगा और ये इस तरह से बाहर आ जाएगा और इस तरह से वापस सेट कर सकते हैं। और इसको दबाकर ये फ्रंट और बैक कवर खुल जाएगा इस तरह। ये इसके पेपर फीडर रोलर है, ये सेपरेशन पैड है, ये इसके पेपर पीडिंग रोलर है, ये इसकी इनपुट पेपर ट्रे है। ये इस तरह से क्लोज हो जाती है और ये इनपुट ट्रे को निकालने के लिए ट्रे को थोड़ी इस तरह टेढ़ी करके ऊपर निकाल सकते हो इस तरह से। इस तरह वापस लगा देंगे और ये फ्रंट और बैक CIS कैमरे हैं। ये फ्रंट और रियर साइड में ये सेंसर है, ये ट्रांसपोर्ट रोलर है और ये सेपरेशन पैड है और ये सेपरेशन पैड इस तरह बाहर आ जाएगा और ये रोलर इस तरह पुश करके बाहर आ जाएंगे। ये इसमें कट होता है, वापस लगाने के लिए पहले उस कट में फिट करेंगे इस तरह और पुश करके इस तरह लगा देंगे और सेपरेशन पैड को वापस इस तरह लगा देंगे। और ये पेपर गैप कम करने के लिए लॉक है, इस तरह दबाकर इसको लॉक कर देंगे। इस तरह लॉक को इधर करके गैप कम हो जाएगा और इसको इस तरह बंद कर देंगे। ये इसकी LCD स्क्रीन है और ये आगे पावर ऑन ऑफ का बटन है और ये स्कैनर की इंफॉर्मेशन का बटन है। ये इसका कैंसिल और पॉज बटन है, ये इसका होम बटन है और ये बैक साइड में लैन पोर्ट है, ये USB 2.0 पोर्ट है, ये इसका 3.1 सुपर स्पीड USB पोर्ट है, ये इसका पावर का पोर्ट है, ये इसका सिक्योरिटी लॉक के लिए है, ये स्कैनर की बॉटम साइड है, ये इसके स्टैंड है। मैं इस तरह ये इस तरह क्लोज ओपन कर सकते हो और इस तरह स्टैंड कर सकते हो स्कैनर को। और ये ऊपर 3 डॉट को क्लिक करके सेटिंग्स मेन्यू खुल जाएगा इस तरह। ये मेंटेनेंस मेन्यू है, ये लेफ्ट एरो से बैक आ जाएंगे। उसके बाद नेटवर्क मेन्यू है, इसमें वायर और वायरलेस नेटवर्क की सेटिंग सेट कर सकते हैं। ये डायग्नोस्टिक मेन्यू है, इसमें स्कैनर की ट्रबल शूट कर सकते हो। ये इसका इजी सेटअप है और ये नीचे ही नीचे स्कैनर की सेटिंग रिसेट या फैक्ट्री डिफॉल्ट सेट करने के लिए रिसेट टैब है। फ्रेंड, जब भी कभी आपने स्कैनर की सेटिंग अपसेट हो जाए तो यहाँ से आप रिसेट कर सकते हो। ध्यान रहे, सारी सेटिंग रिसेट हो जाएगी। तो मैं आपको रिसेट करके बता देता हूँ। तो रिसेट टैब को क्लिक करेंगे, यहाँ यस कर देंगे, उसके बाद ये कुछ सेकंड में रिसेट हो जाएगा इस तरह से, जैसे बिल्कुल नया स्कैनर आता है। उसके बाद इसको रिकॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और ऊपर एरो को टैप करेंगे। उसके बाद ये ट्रे के बारे में गाइड कर रहा है, वापस एरो को टैप करेंगे, फिर से एरो को टैप करेंगे और यहाँ जिस माध्यम से स्कैनर को कनेक्ट करना चाहते हैं, वाईफाई या वायर नेटवर्क या USB सेलेक्ट करके ऊपर राइट एरो को टैप करेंगे, फिर से एरो को टैप करेंगे। या अगर आप पासवर्ड रखना है जैसे सेटिंग्स वगैरह चेंज के लिए तो यस कर देंगे, मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। उसके बाद ऊपर एरो को टैप करेंगे और फ्रेंड्स, ये स्कैनर का कंप्लीट सेटअप हो चुका है।
तो ये S2060W स्कैनर की जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।